वही अतीक अहमद अब किसी चूहे की तरह डर से थरथर कांप रहा है। टीम न्यूज स्टेट। ललितपुर से बड़ी खबर है, जहां नदी में डूबने से दो सराफा कारोबारियों की मौत हो गई। बेतवा नदी में लापता युवकों की तलाश हो रही थी। यूपी और एमपी पुलिस तलाश में जुटी थी। गोताखोरों की मदद से बेतवा नदी से दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। नदी में डूबने से दो सराफा कारोबारियों की मौत। बेतवा नदी में लापता युवकों की तलाश हो रही थी और अब शव जो है बरामद कर लिया गया है। बांदा के एक मंदिर में पुजारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया।